केमिकल काइनेटिक्स पार्ट टू। अभी तो लोग आवाज आएगा ना, बहुत पिटाई खाएगा तो लोग बता दे रहे ध्यान दो। केमिकल काइनेटिक्स ठीक है ना, चलो लिखते हैं ठीक है, स्टार्ट करें। केमिकल काइनेटिक्स ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स आज लगभग ख़त्म ही कर देंगे ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बेसिक बात कर लिए थे ना, है ना। ऐ आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, बता दे सुन ध्यान दो। तो सबसे पहले लिखो रेट लॉ, रेट वहाँ से कंटिन्यू करेगा जहाँ तक हम करा दिए थे रेट लॉ, वहाँ तक हो गया था रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है समझो, बात को मान लेते हैं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, एक रिएक्शन दे दिया, बोलो हाँ ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है और सी प्लस डी प्रोडक्ट है। रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई पे। बात समझो, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और एक्स और वाई क्या है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा एन, विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझो इसको, एक्स प्लस वाई क्या हो गया हमारा एन, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ठीक है, समझो बात को। तो यहाँ पर नोट डालो, बता रहे जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, बताना ठीक है। नोट डालो यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से, कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बैठा करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन का नहीं बता सकते ठीक है ना, उसको कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट जो हो गया उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बैठाते हैं ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बैठा करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट हो गया उस पर हम लोग कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बैठाने का ठीक है, समझ बात। तो रेट लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट क्या आएगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। अच्छा सुनो, मेरे को एक बात बताओ, अगर इसमें सी भी रहता इधर रिएक्टेड से, रे ध्यान दो इधर, रिएक्टेड साइड में एक तो एक चीज़ और रहता, उसका भी पावर जेड हो जाता ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो जाता ठीक है ना, तो जितना रिएक्टेड रहेगा सबका पावर कुछ ना कुछ होगा। ये हमारा हो गया रेट लॉ, ये हमारा क्या हो गया रेट लॉ, और के को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ कॉन्स्टेंट, रेट लॉ कॉन्स्टेंट ठीक है, रेट लॉ कॉन्स्टेंट ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नहीं सर, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हैंड राइटिंग स्पीड का, चलो स्टार्ट करते हैं, देखो ये हो गया। सुनो एक बात याद रखना, ए लड़का ए, फिर मारेंगे ध्यान से, ध्यान दो, ध्यान दो, सुनो ध्यान देखो, समझो ये जो के है ना हमारे पास, बहुत ही कमाल का चीज़ है, याद रखना, बहुत ही कमाल का चीज़ है, बोलो कैसे, सच में कमाल का चीज़ है, बताते हैं ठीक है। देखो के जो है ना हमको आधा केमिकल काइनेटिक्स समझा देगा, समझो बात को, रेट लॉ कांस्टेंट जो है ना, के का अगर हमको यूनिट पता है ना, के का अगर हमको यूनिट पता है ना, तो हमको ये बता देगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है, सोच रहा हूँ
जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, कैसे दिखाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ के। किसका बात करते हैं? यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, के यानी रेट लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना, समझो थोड़ा इसलिए। मान लेते हैं कि रिएक्शन ए से बी गया, ठीक है ना, ए कुछ रिएक्टेंट था, बी कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। अगर हम इसका रेट लॉ कांस्टेंट लिखे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए का पावर, मान लेते हैं एन, एन हमारा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन हमारा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो के का बात कर रहे थे, के बराबर क्या हो जाएगा? रेट बाय ए का पावर एन, हाँ या ना। रेट हमारा क्या होता है? रेट क्या होता है? मोलर पर सेकंड। रेट का यूनिट क्या होता है? अरे हाँ या ना, रेट का यूनिट क्या होता है? मोलर पर सेकंड, हाँ या ना। और ए हमारा क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? अरे बोलो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल क्या होता है? अरे हाँ या ना, कितना मोल, अरे हाँ या ना, याद आया ना, ठीक है। सुनो, मोलर यानी वन मोलर, मोलर मतलब क्या होता है? मोलर मतलब मोल पर लीटर, क्या होता है? मोल पर, याद रखना, मोल मतलब, मोलर मतलब मोल पर, मोल पर लीटर, ये मोल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर। तो के बराबर क्या हो जाएगा? मोलर की जगह क्या लिख दे? मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल का पावर एन, बोलो हाँ यार। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, मोल को अलग कर लो, के इज इक्वल टू क्या जाएगा? मोल का पावर क्या जाएगा? वन माइनस एन, हाँ है ना, एन ऊपर जाएगा तो, लीटर का पावर माइनस वन, ए मोलर जाएगा इसका, सॉरी याद रखो, उल्टा लिख दिया, मोलर मोलर मोलर, ठीक है, उल्टा लिख दिया, ध्यान दिए, ठीक है ना। और अगर लीटर का बात करें, यहाँ पे क्या जाएगा? मोल पर लीटर, यहाँ भी क्या जाएगा? मोल, मोल पर लीटर, हाँ है ना। लीटर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? लीटर का पावर माइनस है, नीचे ऊपर जाएगा प्लस, अरे एन माइनस वन, ध्यान से देखो कैलकुलेशन, माइनस एन हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस एन हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस वन है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन एक्सपोनेंट, और बचेगा क्या? सेकेंड इनवर्स, क्या बचेगा? सेकेंड इनवर्स, ठीक है, समझ में आया? तो हो गया, देखो समझ में, ये तुम्हारा यूनिट ऑफ के किसके लिए? जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जनरली बोले तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर एनथ ऑर्डर, किसके लिए है? एनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, एनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो बता रहे, देखो ना, ये एनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, समझ में बात, ये एनथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब सोचो सोचो सोचो, मेरे पास बहुत बहुत सारा केस बन सकता है कि नहीं, इधर सब नोट कर लियो, इधर का नोट हो गया ना, दिखाते हैं, देखो दिखाते हैं, समझो, यहां पर फोर फर्स्ट, फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात करें तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, हाँ या ना, अरे जीरो का ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दो, एन का वैल्यू जीरो, हाँ या ना, जब एन का वैल्यू जीरो का पुट करो यहां पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा? मोल का पावर वन माइनस जीरो, लीटर का पावर जीरो माइनस वन, सेकेंड इनवर्स, मतलब के का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल, लीटर का पावर माइनस वन, सेकेंड का पावर माइनस वन। अगर ये यूनिट तुमको के का दिखा, मतलब कैसा है ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ बात, यूनिट ऑफ के फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फोर, दिखाते क्वेश्चंस कैसे बनता है, यूनिट ऑफ के फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो फोर सेकेंड, फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फोर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ध्यान देना, एन का वैल्यू वन है, चिपका वहां पर एन का वैल्यू वन। के बराबर क्या हो जाएगा? मोल का पावर वन माइनस वन, लीटर का पावर वन माइनस वन, सेकेंड इनवर्स, मतलब ये जीरो जीरो, मतलब वन हो जाएगा, एन की पावर जीरो इक्वल टू वन, एन की पावर जीरो इक्वल टू वन, मतलब वन वन हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये देख करके तुमको पता चलेगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ के फोर, यूनिट ऑफ के फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझे बात? इसी तरह सेकेंड निकाल लोगे, थर्ड निकाल लोगे, थर्ड से ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, पूछ लेगा तो हम लोग यूनिट ऑफ के से बात कर लेंगे। समझ बात? ठीक है, समझ बात। चलो एक क्वेश्चन देते इस पर, इधर का नोट कर लियो, इधर का नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो इधर का मिटा, इधर का मिटा है, किधर का मिटा, किधर का, इधर का मिटा है, ए ध्यान दो। चलो क्वेश्चन देते, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन देते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ गिवेन रिएक्शन इज 1.7 × 10⁻³ इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए 0, 1, 2, 3। चलो बताओ, जल्दी बताओ, अरे बताओ इसका क्या होगा आंसर। 2 सेकेंड, 10 सेकेंड लगेगा ज़्यादा ज़्यादा। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन इज 1.7 × 10⁻³ इनवर्स। बताओ कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे को बताएगा, कैसे एक कैप, कैसे कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यूनिट ऑफ के देखो, रेट कॉन्स्टेंट यानी के, के का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। देखो सेकेंड इनवर्स किसमें आ रहा था, किसमें आ रहा था, समझ में आ रहा बात, मतलब ये चकमा देने के लिए सवाल है। सही बात, ऐसा माइनस टू रहेगा नहीं उसके हिसाब से जो जो निकल, हाँ टू वाला डाल के देखना जो मैच करेगा, के का वैल्यू जहाँ मैच करेगा वो ऑर्डर ऑफ डिरेक्शन, एन का वैल्यू डाल के, ठीक है ना। जनरल ऑर्डर हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना, जनरल ऑर्डर याद होना चाहिए। कैसे आता है डिराइव भी करके दिखा दिए, ऐसा 2-3 बार सवाल चकमा देने के लिए पूछा है, ठीक है ना। अब एम सी क्यू में पूछता भी है, ठीक है, सही बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इवेल्युएट करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस पूछता है, थ्योरी पार्ट है लिख लेना, नेट में अवेलेबल है, बुक में भी अवेलेबल है, सब जगह लिख लेना, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन, ये कोई जरूरी नहीं है, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है बेटा इसको। चलो अब आगे बढ़ते, तुम्हारा क्वेश्चन था सारे बाकी, जल्दी पूछे मिटा दे तो कुछ बोला नहीं, ध्यान कहीं और है, दो बार पूछे बोल, रुके दो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ध्यान दो। फॉर द रिएक्शन, ध्यान दो, फॉर द रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे, याद रखना, टू एनओ प्लस सी एल टू लिखो, टू एनओ प्लस सी एल टू गिव्स टू एनओ सी एल एट 300 केल्विन, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेंड, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेंड। हमको इतना सारा डेटा मिला है, ठीक है ना, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट, हाँ
वन टू थ्री, तीन तो एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला में एनओ का है, सी एल टू का है, 0.01 0.02 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
बोर्ड जिसको बोलते हैं, इस साल बोर्ड में ही क्वेश्चन की देखे हम, पता है इस साल बोर्ड का पेपर में देखे, सेट टू में शायद सेम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन था, खाली नाम बदला हुआ था। हाँ एक्सपेरिमेंट नंबर देखो, समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो एक रिएक्शन है, 2NO प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स 2NOCl, ठीक है। कितना डिग्री टेम्परेचर में किया गया, 300 डिग्री केल्विन में किया गया, ठीक है ना। एक रिएक्शन किया गया, रिएक्शन करने से क्या हुआ देखो सुनो, ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ, तीन बार एक्सपेरिमेंट किया सुनो। अरे इधर देखो, पहला एक्सपेरिमेंट में क्या था, NO का जो कॉन्सेंट्रेशन लिया कितना लिया, 0.010 मोल, ठीक है ना, और Cl2 का 0.010, ठीक है ना, इतना लिए। रेट हमको क्या मिला, 1.2 × 10⁻⁴, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा हमको रेट मिला। बोला बताओ तीन एक्सपेरिमेंट कर दिया, बताओ ऑर्डर कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हमको बताओ, बस हम नहीं जानते। यूनिट कहाँ दिया है, यूनिट दिया है तुम चेक करो। देखो भाई इस टाइप का न्यूमेरिकल्स जो है ना, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स भाई सुनो ध्यान दो, नहीं तो ठाक फेंक देंगे सबको, ध्यान दो। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनेगा ध्यान दो, ए नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं बोलेगा भाई, हम बोल रहे हैं मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। जब भी देखना इस टाइप का न्यूमेरिकल्स है ना, तो देखो हमको NO का, देखो हमको अगर रेट लॉ लिखना है, सबसे पहले रेट लॉ, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NO का पावर, हमको पता नहीं है तो x, और अगर Cl का पावर लिखे तो क्या हो जाएगा, y, बोलो हाँ या ना। पावर हमारा ऑर्डर है, x प्लस y हमारा ऑर्डर हो जाएगा ना। ऑर्डर मतलब किस ऑर्डर का रिएक्शन है, समझा, क्या किस ऑर्डर से निकल रहा है, सब में सब समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। देखो देखो रेट लिख लिए सुनो, ये इसको बोलते हैं इक्वेशन वन, ये हमारा क्या हो गया रेट लॉ, क्या हो गया हमारा रेट लॉ, क्या हो गया रेट लॉ। एक्सपेरिमेंट वन के लिए अगर हम लिखना चाहें, फॉर एक्सपेरिमेंट वन, अगर हम एक्सपेरिमेंट वन के लिखना चाहें, तो रेट कितना मिला हमको, 1.2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू के NO, NO का कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 0.10 उसका पावर x, Cl2 का लिखना चाहें तो 0.010 उसका पावर y, ये इक्वेशन वन हो गया, समझ में बात, ठीक है। फॉर एक्सपेरिमेंट टू लिखना चाहें क्या हो जाएगा बताओ, तो रेट कितना आया, 2.4 के इक्वेशन टू है ना। इधर देखते हैं, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया इस टाइप का न्यूमेरिकल्स। तीसरा फॉर एक्सपेरिमेंट थ्री, चलो नीचे पे लिख देते हैं, चलो लो चलो ठीक लिख देते हैं, छोड़ो छोड़ो कहीं भी लिख देते हैं, देखो तू लोग भी ना। तीसरा के लिए लिखना चाहें तो 0.20 हमारा रेट कितना है, 9.6 × 10⁻⁴ है ना। बोले ना कोई कुछ नहीं बोले मतलब कुछ नहीं बोलेगा, 0.20 बोलो हाँ है ना। इक्वेशन थ्री है कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब हमको x और y खोजना, देखो मैथमेटिक्स टाइप का नहीं लग रहा, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो, देखो इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू करो, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, वन और टू को डिवाइड करो क्या जाएगा, 0.2
1.24 into 10 power minus 4 upon 2.4, 1.2 into 10.4 into 10 power minus 4 is equal to k 0.010 का पावर x, 0.010 का पावर डिवाइडेड बाय k 0.010 का पावर x, 0.020 का पावर, देखो ये और ये और ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बोलो हाँ या ना। वन बार में टू बार में, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या हो गया, वन बाई टू, बारह दूनी चौबीस, ये हो जाएगा। सुनो सुनो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट, सुनो, 010 अपॉन 0.020 का पावर वाई, ऐसे। अरे बाबा पूरा का होल वाई पहले लिखेंगे ना, पहले काटना मत, अब वन बार में टू बार में कटेगा, बोलो हाँ है ना। ठीक है बाबा ठीक है, गलती होता है, तुम लोग गलती कर देगा है तो लोग, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। y का वैल्यू कितना आया, अब हमको x का वैल्यू खाली खोजना है ना। अब वन और टू, वन और थ्री या टू या थ्री को डिवाइड कर दो, टू या थ्री को डिवाइड कर देते, इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 के 0.010 का पावर x, 0.020 का पावर y अपॉन के 0.010 का पावर 020 का पावर x, 020 का पावर y, ये और ये गया, बोलो हाँ है ना। k और k गया, बोलो हाँ है ना, ये और ये गया, बोलो हाँ है ना। ये कितना बार में जाएगा, एक बार में कितना जाएगा, फोर बार में, वन बाय फोर इज इक्वल टू 0.010 का पावर 0.020 का पावर x, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। तो वन बाय फोर को क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन बाय टू हो जाएगा, मतलब वन बाय टू का पावर x लिख सकते हैं, मतलब x बराबर टू, मतलब x बराबर, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब 2 प्लस वन कितना हो गया, मतलब कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये पांच नंबर का सवाल आएगा याद रखना, पांच या चार नंबर सवाल ये आया इस बार, इसलिए बोले चार नंबर सवाल, समझ बात, एकदम ऐसे एकदम। चलो देखो, ऐ ध्यान दो इधर, अभी आवाज आया ना ठाक फेंक देंगे, बता दे रहे हम, जिसका आवाज आया। तो लो लगता से बोल रहे का सच में ठाक फेंक दे, हमने उठाएंगे तो जेसीबी मंगवाए उससे उठवा फेंकवा देंगे। क्या करेगा, 900 रुपये एक घंटा के लेवे करेगा। चुपचाप रहेगा ना। चलो स्टार्ट करें, चलो ए सुनो, अब हल्ला नहीं, देखो डिफरेंशियल रेट लॉ, सुनो डिफरेंशियल रेट लॉ, अगर हमको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है किस तरह से लिखेंगे, डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, नंबर ए, फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दो, जितना बात बताते ध्यान दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के डी सी अपॉन डी टी, लेकिन सी का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, बोलो है ना, अरे हाँ या ना, नोट करो, ठीक है। अगर हमको लिखना है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख के दिखाओ, सेकेंड ऑर्डर के लिए लिख के दिखाओ, चलो फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिख के दिखाओ, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिख के दिखाओ,
इसके बाद इंटीग्रल रेट लो बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इंटीग्रल जल्दी लिख करो, चलो ए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिख लिया? अरे बोलो लिख लिया, अरे लिख लिया बोलो, हाँ है ना सर? रेट लिख लिया, रेट लिख लो लिख लो लिख लो। रेट इज इक्वल टू ले लिख दे रहा है सर। किसका रेट सर? डिफरेंशियल का, के सी का पावर जीरो ले लो, ठीक है ना। अभी डी टी अपन मत ले लो, क्योंकि रेट को ही हम लोग डी सी अपन डी टी बोलेंगे, ठीक है ना। देखो इसको बढ़िया से अगर लिखना चाहे तो रेट की जगह पर क्या लिख देंगे, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी का पावर जीरो। सुनो डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है तो, अरे बाबा देखो ना, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, के सी का पावर वन। अगर इसका लिखना है तो क्या जाएगा, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं होगा? ये हमारा डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है ना। इंटीग्रल रेट लॉ का बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रल रेट लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ का बात करते हैं। सबसे पहले किसके लिए बात करते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले नंबर ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बात करो, लिखो मत। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात करते हैं। सबसे पहले सुनो, ये नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल बनेगा। हम हजार बार बोल रहे, अब दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सुनो, वी नो दैट, हमको क्या पता है, देखो अगर बात करें डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी का पावर जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? किसके लिए होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाँ या ना? माइनस डालेंगे, क्यों माइनस डालेंगे कोई बता सकता है? क्योंकि रेट हमारा कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ था तब ना प्रोडक्ट बन रहा रिएक्टेंट से, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तभी ना, है कि नहीं? तो ये हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा? ए से बी बना रही हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तब ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, रिएक्टेंट है ना। सुनो तो क्या जाएगा, डी सी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, हाँ है ना। ध्यान से देखे, डी सी बराबर माइनस के डी टी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या जगह, इंटीग्रेशन डी सी बराबर इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। कहां से कहां तक ध्यान दो, सुनो। मान लेते ए से लेकर के सी से, मान ले डी बना, क्या बना, सी से डी, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट शुरुआती में इनिशियली जब टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते क्या था, सी नॉट, क्या था, सी नॉट, सी नॉट। बाद में बना क्या, जीरो। बाद में शुरू में क्या था, प्रोडक्ट जीरो। कुछ देर बाद टाइम इज इक्वल टू टी, जब टाइम क्या हो गया, टी हो गया, तो सी नॉट से क्या हो गया, मान लो कॉन्सेंट्रेशन सी टी, क्या हो गया, ये मान लो इधर कुछ बना एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। सुनो जब टाइम जीरो था कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी नॉट। जब टाइम टी हो गया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सी टी। बोलो हाँ है ना, समझे बात, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी सी क्या हो जाएगा, सी, सी टी से सी नॉट। बोलो हाँ ना, इज इक्वल टू माइनस के, तो कॉमन ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी। बोलो हाँ ना, यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नॉट, पुट करेंगे वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है कि नहीं, क्या जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के डी टी का क्या जाएगा, टी। बोलो हाँ ना, यहां पर लिख के दिखाते हैं। यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नॉट बराबर माइनस के टी, है ना। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या जाएगा हमारा, बता दो, सी टी बराबर माइनस के टी प्लस सी नॉट। बोलो हाँ ना, ये हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग
रेट लॉ, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारा काम करना, ग्राफ बनाना है। ए हल्ला नहीं, ध्यान दो, देखो थोड़ा सा बात करते, देखो इसको ध्यान से देखें। ए कैफ, इसको देखो कुछ मिलेगा तुमको, इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसको एक्सेस में अगर हम तुमसे ग्राफ बनाते हैं सी टी वर्सेस सी नॉट, देखो वाई एक्सेस में क्या है सी टी और एक्स एक्सेस में सी टी वर्सेस टी, सी टी वर्सेस टी मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, मतलब किसका ग्राफ है ये, सी टी वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है ना, समझो। देखो इसको देखिए तो ध्यान से देखो, सी टी अगर हमारा वाई एक्सिस में है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर बात करें, ध्यान से देखो, हाँ इसी के पार्ट है, इसी के पार्ट देखो, कंपेयर करो ये दोनों को, ये दोनों कंपेयर करो, ये दोनों कंपेयर करो, देखो m हमारा कितना आ गया माइनस के, स्लोप हमारा कितना है माइनस के, ये थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट, ठीक है ना, समझो इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सी हमारा क्या, इंटरसेप्ट, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट, क्या है वाई इंटरसेप्ट, कितना है सी नॉट, वाई इंटरसेप्ट कितना है सी नॉट, मान लेते ये कोई सी नॉट था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ था सी नॉट, ठीक है ना, सी नॉट, ठीक है ना, ये हो गया मान लो जीरो कॉमा सी नॉट कॉमा जीरो ना, जीरो कॉमा सी नॉट, ठीक है ना, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो हमारा स्लोप कितना है माइनस के, स्लोप कितना है माइनस के, स्लोप कितना है माइनस के, हाँ स्लोप कितना हो गया माइनस के, अगर सी नॉट हो गया हमारा ये, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, हा हा उल्टा ग्राफ बना दिया हम लोग, ठीक है ना, जीरो कॉमा सी नॉट ग्राफ बन जाएगा, ये किस तरह से बन जाएगा ग्राफ, स्लोप मेरा माइनस में आ गया, स्लोप माइनस में आ गया, नहीं 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 इसमें ग्राफ नहीं दिया, स्लोप माइनस में है तो माइनस में स्लोप ऐसे आएगा, प्लस में स्लोप ऐसे जाएगा, माइनस में स्लोप है मतलब यहां से अगर हम जीरो कॉमा सी नॉट लेंगे तो ये स्लोप हमारा ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, ये स्लोप हमारा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर कैसे होगा, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के, कहा एम वन एम टू परपेंडिकुलर लोगी तू, ना ना एम वन एम टू परपेंडिकुलर, देखो स्लोप क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में स्लोप ऐसे आता है, पॉजिटिव में स्लोप ऐसे आता है, क्योंकि टेन थीटा जब पॉजिटिव रहेगा तो थीटा क्या रहेगा 90 से ज़्यादा रहेगा, और 90 से कम रहा मतलब मतलब सुनो 90 से कम यानी मतलब 1060 1030 1045 1090 सब क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है, जैसे 1035 120 ये सब में जाने लगता नेगेटिव वैल्यू आने लगता, अरे हाँ या ना, मान लेते ये लाइन है 1045 ये पॉजिटिव हो गया 1090 इन्फिनिटी तरफ, जैसे 10 120 आया था मतलब ये नेगेटिव टाइप आएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव आने लगा, स्लोप नेगेटिव समझ रहे हो बात, तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब लाइन ऐसे आएगा, समझ बात, ठीक है सर, स्लोप पॉजिटिव रहा तो सर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक नोट करो, चलो नोट करो, लिख लिया। हाफ लाइफ का बात करें, इसका हाफ लाइफ का बात करें, जल्दी लिखो जहां तक लिखे हो, उत्तरदायित्व मतलब सर, अरे उसके मतलब हेरिडिटी होता है उत्तरदायित्व मतलब, हाँ रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव, बाप रे बाप, अरे रोस्टिंग मिल जाता है, आइए हम रोस्ट कर देते हैं किसलिए हम छोड़ दिए बोले चौटा, वीडियो में रोस्टिंग हो जाएगा, देखो देखो नेक्स्ट देखो, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? सुनो अरे लड़का है, ध्यान दो। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? सुनो, मान लेते शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन ए से बी गया, कुछ मान लो एट टी इज इक्वल टू जीरो। सुनो, जब शुरुआती में था ये सी नॉट था, ये कुछ नहीं था। अरे इधर देखो ना, ये सी नॉट था, ये कुछ नहीं था। अरे लड़का इधर देखो ना, अब मान लो टाइम आधा लगे। सुनो टोटल टाइम में, सुनो टोटल टाइम का बात करें, एट टी इज इक्वल टू टी, पूरा मान लो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा बन गया। अरे हाँ है ना, लिखेगा नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनो इधर। शुरुआत में ये जीरो है, शुरुआत में सी नॉट है, ये जीरो है। जब खत्म हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया, इधर पूरा बन गया। एक बीच में एक ऐसा टाइम आया कि आधा बना, मतलब सी नॉट बाय टू आया। बोलो हाँ है ना, मतलब इसमें कितना बना? हाफ बना। बोलो हाँ है ना, कुछ एक्स बना, ठीक है ना। तो ये टाइम कितना होगा? टी इज इक्वल टू टी बाई टू। अरे हाँ है ना, आधा टाइम लगा होगा। पूरा 30 मिनट लग रहा था, 15 मिनट लगा होगा। बोलो हाँ है ना। इस टाइम को बोलते हम लोग हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ, ठीक है। सुनो सुनो, फॉर हाफ लाइफ, ए ध्यान दो इधर, फॉर हाफ लाइफ का बात करें हम लोग, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ। एंड सी टी बराबर क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय टू। आया ना, है कि नहीं? पुट करो उसमें। देयर फोर सी टी क्या हो जाएगा? सी टी इज इक्वल टू क्या होता है? सी नॉट माइनस के टी। आया ना, तो यहां से क्या जाएगा? सी नॉट बाय टू माइनस सी नॉट बराबर माइनस के टी। है ना, मतलब क्या जाएगा? माइनस सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ ना, है ना, टी हाफ। अरे हाँ ना, टी हाफ। यहां देखो, यहां देखो, यहां तो माइनस माइनस कटा, मतलब टी हाफ कितना हो जाएगा? सी नॉट बटे टू के, सी नॉट बटे, सी नॉट बटे। ये हमारा फॉर्मूला है हाफ लाइफ, किसके लिए? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखो, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, है कि नहीं? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के पे, ठीक है ना। चल नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट करो। चल देखो, हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इस पे अब सारा न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा, हम बता दे रहे हैं। तो सब चीज़ एकदम हाथ में दे दिए हैं। दो ए नहीं समझ में आ रहा, बोल रहे बात नहीं करने के लिए। कैप करे बदमाशी सर, इसको तो कुछ बोलिए नहीं सर, अपने आप से बात कर रहे सर। नहीं तुमको ही बोल रहे बदमाशी, नहीं अब बेइज्जती कर देंगे, बताते रहे नाम लेकर के वीडियो में। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करते, देखो ए देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो डी सी अपॉन डी टी यानी डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? फर्स्ट ऑर्डर के माइनस के सी का पावर वन। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अरे इधर देखो, हाँ या ना, यहां से क्या जाएगा? डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। हाँ या ना, मार खोज रहा मेरा हाथ, सही बता रहे सर, हम तो पेज फाड़ रहे सर, मारकर फेंक के मारे हम, बता दे रहे थे। ये समझ में आ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सर, इस सी कैसे आए यहां पे और वहां पे, ये हाथ से लिख दिए तो समझ नहीं गया सर। चलो डी सी अपॉन सी दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, माइनस के डी टी। सुनो ध्यान से देखो, मान लेते ए से बी किच हुआ एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये सी नॉट था, ये जीरो था। एट टी इज इक्वल टू हाफ, टी हाफ, ये सी नॉट बाई टू हो गया, ये समथिंग कुछ बना। एट टी इज इक्वल टू टी, ये मान लेते सी टी हुआ, ये मान लेते ये वाई कुछ बना। बोलो हाँ है ना, शुरू में सी नॉट बाद में सी टी। जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है, सुनो जब टाइम जीरो तो ये क्या था? सी नॉट था। जब टाइम टी हुआ ये क्या बचा? सी टी बना। हाँ है ना, तो इसका डी एक्स बाई एक्स क्या होता है? लॉग एक्स, लॉग एक्स। हाँ है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या होता है? लॉग एक्स, लॉग एक्स। याद रखना फॉर्मूला,
लिख देते हैं इधर भी साइड में, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, एल एन एक्स या फिर लॉग एक्स बेस ई बोल सकते हैं। केमिस्ट्री है ना? हाँ केमिस्ट्री ही है, बोले थे इंटीग्रेशन घुसाएंगे इसमें। देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस ई, सी टी से सी नॉट, देखो माइनस के बाहर आया, इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी, समझ में बात। ध्यान से देखो लॉग एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग सी टी माइनस लॉग सी नॉट बेस ई बराबर माइनस के डी टी का क्या हो जाएगा टी, टी से जीरो, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं टी है ना, के टी डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है ना। अच्छा लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, बेस सेम है ना, तो क्या जाएगा लॉग सी टी बटे सी नॉट, अरे हाँ या ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना, इसको बढ़िया से याद रखना, ठीक है ना। इसमें और इम्प्रोवाइजेशन करते, ध्यान दो, अगर हमको पता है ऐसा, ध्यान से देखो, लॉग एक्स बराबर टू है मान लो, बेस में ई है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू ई का पावर टू, बहुत बार लॉग पढ़ा है, ये जो होता है ना बेस उछल के यहाँ जाता है, ये पावर बन जाता है, ठीक है, ठीक है, बताया था ना। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, सी टी बटे सी नॉट क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस के टी, बोलो हाँ या ना, हो कि नहीं, थोड़ा बढ़िया सिंपलाइजेशन कर देते हैं, देखो ना सी नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी नॉट ई का पावर माइनस के टी, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोलो हाँ ना, ठीक है। फॉर हाफ लाइफ का बात करें, फॉर हाफ लाइफ, फिर इसका हाफ लाइफ, सबका हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ का बात करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ, एंड सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी नॉट बटे टू, हाँ है ना, चिपका दो, सी टी क्या हो जाएगा, सी नॉट बटे टू बराबर सी नॉट ई का पावर, यहाँ पर चिपकाते हैं, यहाँ पर लॉग सी नॉट बाई टू अपॉन सी नॉट माइनस के टी हाफ, देखो क्या हो जाएगा, सी नॉट कट जाएगा, लॉग हाफ, लॉग हाफ को कैसे लिखेंगे, लॉग वन बेस ई माइनस लॉग टू बेस ई बराबर माइनस के टी हाफ, यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये लॉग वन जीरो क्या जाएगा, के टी हाफ बराबर लॉग टू बेस ई है अभी, ठीक है ना, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, एल एन टू बटे के, एल एन टू यानी लॉग टेन, लॉग टू बेस ई, लॉग टू बेस ई, लॉग टू बेस ई, ठीक है ना, ये हमारा हो गया हाफ लाइफ, क्या हो गया हाफ लाइफ, बता रहे इंटीग्रेशन घुसा इसका माथा घूम गया, देखो लॉग में क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई होता है इक्वल टू टू, मान लो तो एक्स का वैल्यू निकालना तो यहाँ पर चल जाता है, एक पावर टू हो जाता है, ठीक है ना। चल उसी तरह से इसका वैल्यू हमको निकालना, ई यहाँ चल जाएगा, इसका पावर में बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सुनो ये हमारा आया इंटीग्रेटिंग रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हाफ लाइफ के लिए चाहिए तो हमको यहीं पर इम्प्रोवाइजेशन करना होगा, यहीं पर या फिर यहाँ पर, यहीं पर कर लेते, ठीक है ना, या यहाँ पर कर सकते, यहीं पर कर लो अच्छा रहेगा, अरे वहाँ पर करेंगे तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन, फिर लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर करने से क्या होगा, सी टी जगह सी नॉट बाई टू पुट कर देंगे, टी के जगह पर टी हाफ पुट कर देंगे, तो सी नॉट कट जाएगा, बोलो ध्यान से देखो, बचेगा वन बाई टू, देखो लॉग वन बाई टू बचेगा ना, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग वन माइनस लॉग टू, समझे, लॉग वन बाई टू को, तो लॉग वन जीरो होता है, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, देखो हाफ टी हाफ कैलकुलेट कर, समझ बात,
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ भी था और फुल लाइफ भी था, ठीक है ना। सेकेंड लाइफ होमवर्क सुनो, तो इसमें क्या करके लाओगे तुम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटिंग रेट लॉग करके लाओगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का पूरा हाफ लाइफ भी, ठीक है ना। करा दिए जीरो और फर्स्ट ऑर्डर करा दिया, सेकेंड ऑर्डर का करके लाओगे, ये पहले होमवर्क नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम करवाते आगे। नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखो, चलो देखो, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर कर लोगे घर में आराम से, चलो शाबाश, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, अब ये आवाज नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी नहीं तो उठा फेंक देंगे सच में, जिसका आवाज निकला। देखो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, देखो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, करेगा बदमाशी रे तू लोग, बोका है का, नंबर ए टेम्परेचर, पहला कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर, अरे बाबा टेम्परेचर का स्पेलिंग भी गलत है, अंग्रेजी ट्यूशन लेना पड़ेगा का है? टेम्परेचर के इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग अरहेनियस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, अरहेनियस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, अरहेनियस इक्वेशन। हे बाबा ध्यान दो, सुनो, अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए का पावर माइनस ए अपॉन आर टी, के इज इक्वल टू ए का पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। देखो k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। e हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, r हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर है, फिर भी इसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर। देखो समझो, मेरे बात सुनो, मैं ध्यान दो भाई, देखो सुनो ध्यान से देखिए, अगर दोनों साइड हम लॉग ले ले, क्या ले ले, दोनों साइड लॉग ले ले, क्या आ जाएगा, हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लेते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लॉग के बेस में ई लेंगे, ठीक है, लॉग बेस ई ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग सर अरहेनियस के डब्बा को बोल रहे हैं, पूरे इक्वेशन को बोल रहे हैं अरहेनियस इक्वेशन, हाँ डब्बा को, माइनस ई अपॉन आर टी, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में लॉग ए और ये मल्टीप्लाई में, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, अरे हाँ है ना, फॉर्मूला याद रखना, डिवाइड में क्या होता है माइनस, अब प्लस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग के बेस ई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस बेस में ई है, ठीक है ना, लॉग ई, ई का पावर माइनस ए अपॉन आर टी, हाँ है ना, पावर उछल के क्या होता है बाहर आता है, लॉग का आर्ग्यूमेंट्स का पावर, यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, लॉग के बेस में ई बराबर लॉग ए बेस में ई, माइनस बाहर आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस जाएगा माइनस ए अपॉन आर टी लॉग ई बेस ई, ये क्या हो जाएगा वन, हाँ या ना, अरे आर्ग्यूमेंट्स और बेस अगर सेम हो गया तो क्या जाता है वन, हाँ है ना, ठीक है, पता है ना लॉग का प्रॉपर्टी है, यहां से क्या जाएगा लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई, इसको इधर लेकर आओ तो क्या जाएगा माइनस जाएगा ना, बचेगा क्या माइनस ए अपॉन आर टी,
ऐसे रहने दो ना, प्लस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुमको क्या छेड़छाड़ करना है कि नहीं। ये हमारा हो गया अरहेनियस इक्वेशन। क्या हो गया? अरहेनियस इक्वेशन का एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है ना, लॉग का फॉर्म, ठीक है ना, अरहेनियस इक्वेशन इन लॉग फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लेकिन हम एक बात बताएं, इसका भी उतना यूज नहीं जितना अभी वाला यूज है, अभी इसका भी उतना यूज नहीं जितना जो भी हम कराने वाले हैं। सुनो सुनो, मान लेते हैं लेट, लेट मान के चलते लेट, ठीक है ना, लेट लॉग फोर कॉन्स्टेंट के वन, फोर फोर के वन, फोर के इज इक्वल टू के वन एंड टी इज इक्वल टू टी वन। ये चमाटा मारेंगे ना, इधर बोल रहे देखने के लिए बात कर रहा, समझ में आई नहीं क्या? तो दो बार बात किया, समझ में क्या आएगा? दो बार बस इसको बोल, वही बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। तो हम कौन बोलेगा? ध्यान दो इधर, ये फॉर्मूला पता है ना, हमेशा बोलते हैं, हम जब भी समझाते थे पेन नहीं छूने के लिए, लिखने का टाइम देते थे, जब लिखने का टाइम देते तब क्या करता है, बात करता है। देखो k इज इक्वल टू ए का पावर माइनस ई अपॉन आर टी, दोनों साइड लॉग लेने बोले, तो लॉग k लॉग ले लिए, तो लॉग a इंटू बी क्या हो गया, लॉग a प्लस लॉग b। अरे लॉग a ये उछल के बाहर आया, बेस ये तो वन बन गया, ये चुपचाप लिख दिया वही चीज। तो क्या समझने वाला चीज था इसमें बताओ, तो ध्यान से देखता समझ जाता, वो ध्यान से देख रहे समझ में आ गया, बीच में बात तुम कर रहा इसलिए समझ में नहीं आया, बात करेगा तो क्या समझ में आएगा, बात करेगा तो सिंपल बात नहीं कर रहा, हमको तो आवाज आ रहा, कैमरा का ही चेक करें, मेरे पास आया तो कैमरा का ही चेक करने जाएगा, चुपचाप रहो, ध्यान दो। तो K1 के लिए क्या हो जाएगा, log की जगह पुट करेंगे K1 log A बेस E माइनस E अपॉन R T1, बोलो हाँ या ना, ये इक्वेशन वन है कि नहीं। फोर टी टू का बात करें, टी इज इक्वल टू मान लेते टी टू एंड के इज इक्वल टू के टू, क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं लॉग के टू बेस ई है, लॉग ए बेस ई है माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, इक्वेशन टू हो गया, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करते हैं, क्या फायदा माइनस करने से, देखो माइनस करें तो क्या जाएगा, लॉग के वन बेस ई माइनस करें तो माइनस लॉग के टू बेस ई है ना, लेफ्ट साइड माइनस, इधर क्या जाएगा, लॉग ए बेस ई माइनस ई अपॉन आर टी वन इधर है, माइनस करके लिखते हैं तो माइनस लॉग ए बेस ई माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस ए अपॉन आर टी टू, ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर सबको को, लॉग ए कट गया, बोलो हाँ है ना, ये क्लियर है। देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी, हाँ है ना, ध्यान से देखो इसको, इसमें से ए इधर में से ए और आर कॉमन आ रहा, ए बाई आर कॉमन ले लेंगे, बोलो हाँ है ना, बचेगा क्या, वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन बचा, बोलो हाँ है ना, देखो हाँ है ना, ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन आया, याद रखना यही हमारा यूज है, यही हमारा यूज ऑफ एक्सपेंशन, मतलब बोल सकते हैं अरहेनियस इक्वेशन, फाइनल अरहेनियस इक्वेशन, क्या ये फाइनल, इसी से हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है ना, ई हटाएंगे तो बेस 10 लाएंगे तो क्या, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ बात, ई हटा करके जब लॉग बेस 10 में जाते तो क्या होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, करना है तो कर सकते तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दे क्या, अरे बोलो, कर लो कर लो, नोट करो नोट करो, कर दे, ओए करके दिखा दे, देखो देखो देखो, ई जे सी हटाएंगे ना, ये देख 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 देख, ई जे सी हटाएंगे ना, यहाँ लॉग बेस 10 कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉग बेस ई हटा के 10 कर देंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में हम लोग हर चीज़ में 10 मानते हैं, जैसे बेस 10 किया
K1 बाई K2 लिखा ना, जैसे बेस 10 किया इधर 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसमें बेस हटाया जिस लग में उसी में, किसमें जिसमें हटाया उसी में, ठीक है ना। मतलब ये बेस हटाया नीचे, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए बटे आर। अच्छा इसको हम नीचे भेज सकते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे लिखा रहेगा 2.303 R यहाँ से हटा करके, समझ में आ रहा बात, समझ में आया। इधर क्या लिखा है, 1/T2 - 1/T1, समझ में बात, बुक में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। हालांकि जिसमें से बेस 10 हटाते हैं उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, सही बात, उधर जाकर के डिवाइड हो जाता है, ठीक है। टी टेम्परेचर, सेकंड टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल देते हैं, इससे नोट करो, ठीक है। ये पहला क्या था, टेम्परेचर, सेकंड क्या, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, इफेक्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, उसको आराम से रीड कर लेना, थ्योरी भरा पड़ा है। एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना, इस चैप्टर का सिलसिला खत्म करते हैं एक न्यूमेरिकल्स लेकर के। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना ट्राई करना, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है तो दिखाता है, न्यूमेरिकल्स लिखो, लिखो द रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। आर का वैल्यू तुमको दे दिया गया है 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स, तुमको क्या बोला है निकाल के दिखाओ एक्टिवेशन एनर्जी, चलो सॉल्व करके दिखाओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चलो देखो क्या बोल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, ए सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना तक ना, सुनो जब सुनो ए, अरे बाप रे बाप मारे हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा, ठीक है ना, रिएक्शन कॉन्स्टेंट ट्रिपल हो जा रहा, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कितना चेंज कर रहा, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 का बात करें, T1 कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में हम लोग किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, मतलब 20 + 273 मतलब कितना गया 293 केल्विन। T2 का बात करें तो क्या हो जाएगा 50 + 273 कितना हो गया, मतलब हो गया 30 × 20 = 50 मतलब 323 केल्विन, है ना, T1 T2 आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट, क्या पता हमको, लॉग K2 upon K1 K1 upon K2 क्या था, K2 upon K1 था ना, क्या था फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा है, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा है, क्या था K2 upon K1 होगा, उल्टा लिखवा दिया K1 by K2 था, चेक करो, ये बार चेक करो, K1 by K2 = EA by R फिर ब्रैकेट 1/T वहां पर चेंज करो, K2 by K1 होगा, K1 उल्टा करो, अरे चेंज करो, K2 by K1 होगा, हम ध्यान नहीं दें, अरे सिर्फ K2 by K1 लिखना है बस, और कुछ नहीं,
हम बता दे रहे हैं, K2 by K1 is equal to A upon 2.303 R होगा। इसीलिए हम करवा दिए ना बाबा, ध्यान दो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सुनो रिएक्शन क्या हो रहा है, ट्रिपल्स हो रहा, मतलब सुनो भाई। अरे बाबा K1 और K2, भाई बाबा सुनेगा तब ना। हाँ 1/T1 - 1/T2 सर, 1/ वही चीज है बाबा, देख दिखा रहे, देख लॉग T2/T1 माने T2 - T1 वही चीज है, सॉल्व करेगा ना उसको तो उल्टा हो जाएगा, समझ रहे बात, सॉल्व करेगा ना तो उसको उल्टा हो जाएगा, साइन का अंतर हो जाएगा सर, माइनस। फॉर्मूला क्या था मेरे को बताओ, फॉर्मूला रुकम देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ बेस 10 ले लेना ठीक है ना, क्योंकि 2.303 लगा दी है ना। देखो ये कैसे आया इक्वेशन, पहले 1 - 2 कर रहे थे तो K1/K2 आ रहा था, जब 2 - 1 करेंगे तो K2/K1 आएगा ठीक है ना। ध्यान दो, पुट करो, देखो ए पुट करो, 3 times बोल रहा ना, ए मेरा बात सुनो, K2 3 times बोल रहा, ट्रिपल्स बोल रहा ना, बोलो हाँ ना, मतलब क्या जगह log 3K1/K1 इज इक्वल टू ये कितना है निकालना है, 2.303 दे दिया है, आर का वैल्यू कितना दे दिया है 8.314 इंटू ये क्या जाएगा T2 - T1, T2 कितना हो गया 293 अपॉन T1 T2, मतलब 323 इंटू 293 है ना। देखो यहाँ से देखो, ये log 3 का वैल्यू कितना होता है, log 3 का वैल्यू कितना होता है log 3 0. सबसे कुछ होता है, log 3 का वैल्यू चेक कर लो ले क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या जाएगा, ध्यान से देखो ये बराबर जाएगा log 3 बेस 10 इंटू 2.303। कैलकुलेशन है बता दे रहे हम लोग, यही तो खतरनाक चीज़ है कैलकुलेशन, इंटू 323 293 कितना है 0.223 में से 223 में से 323 में से 293 जाएगा, कितना बचेगा 20 10 30, इतना तुम्हारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी यानी जूल में। तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर वे, नहीं नंबर नहीं देगा ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।